कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए शिक्षा धाम को और करें अपने 11th, 12th एंड बीकॉम क्लासेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं के होल्डिंग कंपनी। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। देखो इस चैप्टर को अगर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड लेके चलूंगा ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में स्लो स्लो एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हमारा सबसे पहले तो हमें वर्ड समझना होगा, होल्डिंग को और कंपनी को, और हमें साथ के साथ अकाउंट को भी समझना होगा। सर यहाँ पे अकाउंट का मतलब पहले समझते हैं। अकाउंट का मतलब आपको तैयार करना होगा बैलेंस शीट। सबसे पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। इसमें जर्नल एंट्री नहीं होगा, बहुत रेयर है किसी किसी पॉइंट्स के आगे, तो देख लेंगे। बाकी मेजर क्या रहेगा, जर्नल एंट्री। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। कंपनी किसे बोलेंगे बताइए, जिसने अपने आप को क्या करवा रखा हो, रजिस्टर्ड करवा रखा हो, कहाँ, कंपनीज, कंपनीज एक्ट के अंदर, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बहुत सिंपल सी बात है सर, इसको तो बोलेंगे कंपनी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सर होल्डिंग क्या होता है, तो होल्डिंग बात समझना है, और कंपनी के सारे डेफिनेशंस वगैरह तो आपने पहले पढ़ रखा है ना। होल्डिंग की बात करते हैं। अगर मैं होल्डिंग की बात करूं, जैसे यहां ध्यान दें, होल्डिंग बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप सभी, ठीक है। अगर किसी को विजुअल में या वॉइस में प्रॉब्लम होगा तो बता देना। होल्डिंग का मतलब क्या है, मान लेते हैं दो कंपनी है, एक है एक्स वाई जेड, जा सकते हो अगर नहीं करना तो इधर देख लो यार, एक है हमारा एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, मैं दो कंपनी बना रहा हूं। या फिर सिंपली जो क्वेश्चन आता है ना हमेशा लेके एग्जामिनर चलता है एच लिमिटेड। मैं इसको पहले डिफाइन तो करूं जी, होल्डिंग क्या है, सब्सिडरी क्या है, पेरेंट क्या है, बहुत सारे अच्छे से टिपिकल वर्ड्स यूज किए गए ना जिससे प्रॉब्लम होती है। तो इस कंपनी का कुछ आपको मैं सिंपल सी बात है, एक पुराने वाले बैलेंस शीट, क्योंकि पुराने वाले बैलेंस शीट मैं इसलिए बनाता हूँ, एक तो मेरा भी समय बचता है, दूसरा आपको थोड़ा बहुत इतने टाइम से करते आए हो तो एक आइडिया लग जाता है हाँ ये बैलेंस शीट, और नए वाले में थोड़ा सा ना आगे पीछे हो जाता है, इसलिए मैं पुराने वाले बैलेंस शीट से समझाता हूँ। इस साइड क्या होगा, लाइबिलिटी, इस साइड क्या होगा, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट सिंपल मैंने बोला एसेट 5 लाख का, कैश 2 लाख का, या बोलते हैं हम 6 लाख रुपए का, ठीक है। डेटर 4 लाख का, टोटल कितने का हो गया, 15 लाख। सेम सिचुएशन इधर लगते हैं, शेयर कैपिटल, या मैं शेयर कैपिटल को छोड़ के, चलिए अभी तो फिलहाल मैं शेयर कैपिटल बोल देता हूँ, बदलूँगा बाद में बात, शेयर कैपिटल 5 लाख का, क्रेडिटर, क्रेडिटर 6 लाख का। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4 लाख, कितने हो गए हमारे, 15 लाख। अब मैं एक आपसे बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, अगर मैं कहूं कि आप ना इस कंपनी को, सबसे पहले बताओ इस कंपनी को चलाता कौन है, शेयर होल्डर। मान लो मैंने रिलायंस का एक शेयर ले लिया, बच्चों ने कहा कि इस कंपनी को चलाता शेयर, रिलायंस का एक शेयर ले लिया, तो मैं कैसे चला रहा हूँ कंपनी को, मैं नहीं चला रहा, क्या मैं चला रहा हूँ, आप ले लो, आप तो डीमेट खुलवा सकते हो, 5 शेयर 10 शेयर ले लो, क्या आप शेयर होल्डर हो या नहीं, हो, क्या आप कंपनी चला रहे हो, नहीं। तो क्वेश्चन फिर से घूम के आया, तो बताइए कंपनी को चलाता कौन है, बताइए। चलिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, ध्यान देना, आप इस कंपनी के इस 5 लाख के एसेट्स को खरीद लो
और इस कंपनी के सारे डेटर खरीद लो, ऐसा क्या एक्टिविटी करोगे जब आप इस कंपनी के ऑनर माने जाओगे? क्या खरीदो, सारे एसेट्स और ये खरीद देते हो तो क्या आप कंपनी के ऑनर बन सकते हो? आपने ये भी खरीद लिया, कैश भी, डेटर सब ले लिया, क्या कंपनी के ऑनर बन जाओगे? नहीं बन सकते। आपको कंपनी का ऑनर बनने के लिए कंडीशन और शर्त की मैं बात करूं तो एक ही चीज है। आपने बोला सर कंपनी को जो चलाता है ना वो शेयर होल्डर होता है, तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। मेनली कंपनी को चलाते हैं दो व्यक्ति, एक डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर। डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी के सारे मेन एक्टिविटी, मेजर कोर वर्क करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं सर ये कंपनी है, इसके अंदर कितने का शेयर है? 5 लाख रुपए का। अगर इस कंपनी का, अगर आप कब बोलोगे ये आपकी कंपनी हो गई है? दो शर्तें हैं, या तो आपका मेजोरिटी इसके अंदर स्टेक होल्डर हो, मेजोरिटी स्टेक होल्डर का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा और नॉर्मल जो हमें बुक्स के अंदर यूज करना है, अगर आप एच लिमिटेड जो भी कंपनी है, एक जो भी मान लेते हैं, इस कंपनी को आप अपना खरीदना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, लॉ क्या कहता है कि 51% मिनिमम, 51 कह दो या 50.1 भी बोल सकते हो, यानी 50% से ज़्यादा अगर किसी भी कंपनी के आप उसके शेयर को, उसके एसेट्स को नहीं, उसके लाइबिलिटी को नहीं, उसके शेयर्स को अगर खरीद लेते हो, तब माना जाएगा आप इस कंपनी के ऊपर ऑनर बन गए, आप कंट्रोल आ गया आपका पूरा, ठीक है ना, समझ रहे हो बात, कंट्रोल आ जाएगा। अब ये तो हो गया मेरा इंडिविजुअली खरीदने की बात। कई बार क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेता है, सुना होगा, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर सारा ना खरीद के कुछ हिस्सा खरीदता है, ऐसे भी सुना है कि कोलैबोरेशन हो गया, इसका हो गया, इस तरीके से। तो अगर मैं एक मान लेता हूं एस लिमिटेड, आपके सामने एक कंपनी रखता हूं एस लिमिटेड, ठीक है, और इसमें ना बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी का रोल नहीं है। कुछ के अगर दिमाग में चल रहा है कि बड़ी कंपनी हमेशा छोटी कंपनी को खरीद लेगी, तो ऐसा नहीं है, छोटी कंपनी भी बड़ी कंपनी को खरीद सकती है, डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लेते हैं इस कंपनी का शेयर कैपिटल मात्र 2 लाख है और इस कंपनी का फिक्स एसेट्स मान लेते हैं के 3 लाख है और इस कंपनी का क्रेडिटर मान लेते हैं कि 2 लाख या 3 लाख रुपए, ज़्यादा डिटेल नहीं डाल रहे, एक रफली आइडिया लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने का हो गया ये? 5 लाख रुपए का। अगर मैं कहता हूँ ये कंपनी, एक ये बड़ी कंपनी है अगर देखा जाए तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी के टर्म में, मैं अगर कहूँ कि जो ये कंपनी है ना वो इस कंपनी को खरीदना चाहती है, ये वाली जो कंपनी है, पुरानी कंपनी और नई कंपनी बोल देते हैं, एच लिमिटेड जो है किसको खरीदना चाहती है? एस लिमिटेड को। तो अब बताओ ये कंपनी इसका फिक्स एसेट्स खरीदे, कैश खरीदे, या क्रेडिटर को करे, क्या लेगा इसका? शेयर्स, और वो भी शेयर्स मिनिमम कितने परसेंट? 51% के आसपास। तो अगर हम माने तो मान लेते हैं कि इस कंपनी ने इस कंपनी के 60% हिस्सेदारी खरीद ली, तो आप बताइए इस कंपनी ने, मुझे जवाब दीजिएगा, जो ये कंपनी है इसने 60% इसके हिस्सेदारी खरीद ली, तो मुझे सिंपल सी आप बात बताइए कि कितने रुपए का शेयर खरीदा होगा? तो जवाब है सर 1,20,000 का शेयर खरीदा होगा, हाँ के ना, कितने का? 1,20,000, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एच लिमिटेड का ओवर कंट्रोल आ गया किसके ऊपर? हाँ या ना, समझ में आ रही बात आपको? तो जो कंपनी जिस दूसरी कंपनी के 51% से ज़्यादा स्टेक या शेयर होल्डिंग खरीद लेती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग, और जो दूसरा कंपनी जो बिक रहा है उसे बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है ना, यहां पे दो कंपनी है, होल्डिंग और सब्सिडरी। अब मान लो इस कंपनी ने इसका स्टेक खरीदा, कितने परसेंट खरीदा?
60%। तो इसका मतलब ये कौन सी कंपनी है, ये कौन सा है? मान लेते हैं एक और कंपनी है इधर, PQR लिमिटेड। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस आपको याद करवाना चाहता हूँ, PQR लिमिटेड है। इस कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है, सिर्फ मैं इक्विटी शेयर ही दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल चुका है क्योंकि मुद्दे की बात सिर्फ इक्विटी शेयर है, बाकी तो है ही नहीं। इस कंपनी का इक्विटी शेयर मान लेते हैं 200,000 है या 100,000 है, और 51,000 इसने खरीद लिया। किसने खरीदा 51,000? एस लिमिटेड ने। किसका खरीद लिया? तो अब बताओ ये कंपनी, इस दोनों के पहले कंपैरिजन करते हैं, तो ये कंपनी इस कंपनी के कंपैरिजन में कौन सी कंपनी मानी जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और ये कौन सी कंपनी मानी जाएगी? अब चेन की बात करते हैं। अब मैं इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो ये कंपनी होल्डिंग है किसकी, और ये कंपनी होल्डिंग किसकी है? इसका मतलब ये कंपनी, इसका कोई भी कंपनी हो वो सारा का सारा इस कंपनी का होल्डिंग माना जाएगा, चेन की बात करें। क्योंकि अगर इसने इसका सारा हिस्सा खरीद लिया, सब आप देखो दिमाग लगाओ, अगर इसने इसका हिस्सा खरीद रखा है, इसका तो मेजर हिस्सा इसी ने खरीद लिया ना, तो ये कौन सी कंपनी है? होल्डिंग। और ये कौन सी कंपनी है? और ये भी कौन सी कंपनी होगी? किसके लिए सब्सिडरी होगी ये? एस लिमिटेड और एच लिमिटेड के लिए भी होगी। सेम मान लेते हैं आगे, जेड लिमिटेड हो, और जेड लिमिटेड का हिस्सा अगर इसने खरीद लिया हो PQR ने, तो जेड लिमिटेड इसकी भी सब्सिडरी होगी, इसकी भी सब्सिडरी होगी, और साथ के साथ सब्सिडरी। तो सिंपल सी बात है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसने के 51% से ज़्यादा किसी कंपनी, यानी 50% से, मोर देन 50% से किसी कंपनी का स्टेक खरीदा हो, उसे क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। और उससे आने वाले जितने भी कंपनी ऐसे होंगे वो सब होल्डिंग होंगे। हमारे सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है इतना, हमारे सिलेबस 2 को ही बताया गया है। अब सर ये कंपनी बोला होल्डिंग है, और ये कंपनी कौन सा है? सब्सिडरी। अब हमें क्या करना है, इस बैलेंस शीट को उठा के इसके अंदर ज्वाइंट करना है एक तरीके से। होल्डिंग सब्सिडरी में क्या सिखाया जाएगा? हमारा होल्डिंग कंपनी, अब देखो ये बड़ी कंपनी है ना, एक तरीके से देखा जाए तो ये वाली कंपनी इस कंपनी के लिए इसका एक तरीके से बच्चा बन गया, तो इसलिए इसको पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। ये कंपनी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, किसकी मर्जी से करेगा सारा सारा? तो पहले होल्डिंग और सब्सिडरी समझो, चैप्टर में क्या बाद में करेंगे। तो होल्डिंग कौन सी कंपनी होगी? जो कंपनी किसी दूसरी अनदर कंपनी का, चाहे प्राइवेट हो चाहे लिमिटेड हो, डजंट मैटर, 50% से मोर देन 50% होल्डिंग पावर क्या करता है? स्टेक कर लेता है, अपने पास रख लेता है, उसे कौन सी कंपनी बोली जाएगी? होल्डिंग। और दूसरी कंपनी को सब्सिडरी। हमें करना क्या है सर, हमें इन दोनों के बैलेंस शीट को क्या करना है, मिला के एक नई बैलेंस शीट तैयार करनी है। क्या सर और कोई भी जरिया है कि इस कंपनी का बिना शेयर खरीदे हुए ये कंपनी होल्डिंग बन जाए? बिल्कुल, क्योंकि इस कंपनी को चलाता दो ही व्यक्ति है, एक आपने शेयर होल्डर बताया था और एक दूसरा डायरेक्टर। अगर इस कंपनी ने इसके डायरेक्टर का कंपोजिशन किया हो, कंपोजिशन का मतलब इसके सारे डायरेक्टर को अपॉइंट किया हो इस कंपनी ने, तो भी ये होल्डिंग बन जाएगी उसकी, क्योंकि वो इसके अंडर में आ जाएगा, तो भी क्या बन जाएगी? होल्डिंग। तो अभी तक सिंपल सी मैं बात करूं, तो अभी तक किसी को डाउट है कि होल्डिंग और सब्सिडरी में क्या है डिफरेंस? अगर मैं बोलूं कि ये कंपनी इसका 49% स्टेक खरीदती है, 49% स्टेक खरीदती है, तो क्या ये होल्डिंग कंपनी बन पाएगी? क्या ये सब्सिडरी बन पाएगी? तो जब तक कोई होल्डिंग नहीं बनेगा तो सामने वाला सब्सिडरी भी नहीं बनेगा। तो पहले बेसिक हमने क्या देखा कि किसको होल्डिंग कंपनी बोलेंगे और किसको सब्सिडरी बोलेंगे। अब जिसका डाउट है एक बार देखते हैं, किसी का सिंपल डाउट है तो बताना आप। सचिन, हाँ सचिन बोलिए, डाउट क्या है? अभी मैंने होल्डिंग सब्सिडरी बताया, ज्यादा नहीं बताया। सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बताइए आप। सर जो आपने दूसरा मेथड समझाया कि होल्डिंग कहलाएगा कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, सर वो क्या मतलब, समझ नहीं आया। देखो वो एक ना थ्योरी का पार्ट है कि आपका डाउट ये है सर, अगर ये कंपनी इस, क्योंकि कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर। अगर इस कंपनी के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ये वाली कंपनी कर दे, समझ रहे हो,
यानी होल्डिंग वाली एक कंपनी इस कंपनी के डायरेक्टर का कंपोजिशन कर दे, इसके डायरेक्टर को सब इसी ने अपॉइंट किया है, तो माना जाएगा इसके डायरेक्टर को जब अपॉइंट इसने किया है तो वो किसकी सुनेगा, इसी की सुनेगा। तो ये कहीं ना कहीं फिर से इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा, होल्डिंग, और ये सब्सिडरी काउंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो लॉ में पूछा जाता है, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो कभी माइंड में अगर थोड़ा कन्फ्यूजन भी आ रहा हो ना, तो बस मैंने समझाने के लिए बताया कि दो तरीके से हो सकता है होल्डिंग। एग्जाम में आपको हमेशा बोलेगा जी ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, काम करिए, बात खत्म। समझे? कोई डाउट बताइए। ओके, तो अभी तक आपने क्या समझा कि सर इसको होल्डिंग बोलेंगे और इसको सब्सिडरी बोलेंगे, और होल्डिंग और सब्सिडरी की अगर अकाउंटिंग की बात करें तो क्या करना है, ये बैलेंस शीट अब इसकी बैलेंस शीट ना रह के हमें इसको मिला देना है। तो एक वर्ड आता है इसके अंदर, कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंसो करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो हम क्या करेंगे, इस बैलेंस शीट को अगर इस बैलेंस शीट के अंदर मर्ज करेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाता है कंसोलिडेशन। तो इसके बड़े सारे नाम है, कंसोलिडेशन चैप्टर भी बोल देते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी चैप्टर भी बोल देते हैं, पेरेंट्स कंपनी चैप्टर भी बोल देते हैं। वर्ड कोई भी इस्तेमाल होगा, मुद्दे की बात यही है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के बहुत सारे स्टेक को होल्ड कर रहा है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आइडिया ने वोडाफोन का होल्ड कर लिया, सॉरी वोडाफोन ने आइडिया का स्टेक खरीद लिया, रिलायंस ने बहुत सारी कंपनी एक्वायर की है, छोटी छोटी कंपनी। जिस कंपनी को एक्वायर करने का मतलब क्या करते हैं, वो बस 51% स्टेक खरीदते हैं वहां का और ज्यादा नहीं खरीदते। जैसे आप कुछ कंपनी का नाम देखोगे कि इस कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया है, तो उस खरीदने में पता है मुद्दे की बात क्या आता है, हो सकता है सारा खरीदे, लेकिन अगर दूसरी कंपनी ने उसका 51% भी खरीद लिया ना, तो वो जाकर शोर मचा देगा कि ये कंपनी मैंने खरीद लिया है, और देखा जाए तो लीगली अधिकार उस कंपनी के ऊपर उसका ही आ जाएगा जिसने 51% खरीदा है। ठीक है ना? तो अब देखते हैं हम आगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आगे कॉन्सेप्ट करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? अब हम सीखेंगे बैलेंस शीट को जोड़ना, समझ रहे हो? धीरे धीरे जोड़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप आएगा, उसी में एडजस्टमेंट आता जाएगा धीरे धीरे। और कोई अब थीम पहले चैप्टर का समझ रहा, होल्डिंग सब्सिडरी होगा, हम दोनों के बैलेंस शीट को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले, थीम यही है चैप्टर का। तो चलिए, अब मैंने बताया था ना अकाउंट किसकी करेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट की। तो मैं केस बना के अब ये वाली नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अब मैं करूंगा ना, तो आप सभी उसको ना नोट करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे केसेस बना के कराऊंगा जिससे कि आपको कोई सिंपल रहे और दिक्कत ना हो ज्यादा। तो चलिए, एक मैं बैलेंस शीट बना लेता हूं, और मैं ना होल्डिंग को नॉर्मली आप कोई भी नाम दे दो, लेकिन याद रखने के लिए आपके लिए मैं होल्डिंग को एच लिमिटेड नाम दे दूंगा। ठीक है ना? होल्डिंग को क्या दे दूंगा मैं नाम, एच लिमिटेड, सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एक भूल जाते हैं कौन सा कंपनी होल्डिंग है कौन सा सब्सिडरी है, तो कई बार याद नहीं रहता। मैं आपको दो कंपनी का बैलेंस शीट बना के दे रहा हूं, और इन दोनों को जोड़ना भी सिखाऊंगा, जोड़ देंगे दोनों को। अभी हम ना ऐसा करेंगे, केसेस बना लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास, ये जो है वो है एच लिमिटेड, ठीक है, और ये हमारा एस लिमिटेड। तो बोलो, एच लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी, और एस लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी। एच होल्डिंग मानेंगे और एस सब्सिडरी मानेंगे। अब मैं शेयर कैपिटल लिखूंगा। अभी सर शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, सब कुछ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस वाली बात धीरे धीरे आगे आएंगे ना, अभी सिर्फ शेयर कैपिटल। मान लेते हैं इसके पास 10 लाख रुपए का है, क्रेडिटर 3 लाख रुपए का है, फिक्स एसेट्स 5 लाख का है, और कैश, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं, दो दो तीन तीन पॉइंट या ज्यादा पॉइंट ले लूं, डेटर भी ले लेते हैं 6 लाख का डेटर, एक दो पता तो चले, और हम स्टॉक भी ले लेते हैं, ठीक है, 2 लाख, 4 लाख, कितने हो गए टोटल इसका बताइए, 17 लाख, और इधर टोटल क्या बन रहा है, 13 लाख, 17 लाख ही लिखेंगे लेकिन, और इधर डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग, ऑल्दो डिबेंचर भी हो सकता है,
4 लाख, ठीक है। चलिए इधर लिखते हैं हम फिक्स एसेट्स 6 लाख, कैश 2 लाख, शेयर कैपिटल मान लेते हैं 4 लाख, टोटल कितने हो गए इसके, डेटर डेटर 3 लाख, कितने हो गए 6, 2, 8 और 3, 11 लाख, और इधर भी टोटल लिखेंगे 11 लाख। इधर आ गया हमारा, मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5 लाख और क्रेडिटर 2 लाख, क्रेडिटर 2 लाख, ठीक है। दो बैलेंस शीट है, एक एच लिमिटेड और एक, मैं यहाँ पे जो मान के चल रहा हूँ ना कि 100% 100% इक्विटी शेयर एक्वायर कर लिया बाय एच लिमिटेड ने, ठीक है ना, मतलब सारा खरीद लिया, ऑलमोस्ट सिंपल सी बात है। अब हमें बनाना है एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो चलिए एक और बैलेंस शीट बना लें जिसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलोगे। अब बताओ कंसोलिडेशन जो होगा वो किसकी बनेगी, बताओ एच की या एस की, तो कंसोलिडेशन तो एच ही करेगा, ठीक है, होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन करेगा एच लिमिटेड, ठीक है ना, ये कर रहा है, इसकी बैलेंस शीट जोड़ के बनानी है। अब जोड़ने की बात करें तो मुद्दे की बात ये है कि ये कंपनी जो है एच लिमिटेड वो इसके सारा खरीदेगा, जब ये कंपनी इसका सारा शेयर खरीदेगा तो शेयर कितने के हैं इसके पास, तो 4 लाख के जब इसके शेयर खरीदेगा तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये कैश दे देगा इसको, तो इसका कैश पता है क्या कम हो जाएगा, अब कैश क्या आ जाएगा बताओ, और इसके एसेट साइड में एक और क्रिएट हो जाएगा, इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया कितने का कर दिया 4 लाख का, ध्यान देना आप, इसने इन्वेस्टमेंट कितने का कर दिया 4 लाख का, यानी इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो 4 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है वो इन्वेस्टमेंट कहां है, उसने क्या करा, इस कंपनी के शेयर को खरीदा है जो कि ये है, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। अब नई बैलेंस शीट बनानी है, नई बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट्स ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, 5 लाख प्लस जोड़ना है इस बैलेंस शीट को, यहां पे बस पेस्ट करना है, सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना होता, तो पेस्ट करेंगे तो 5 लाख और इसका 6 लाख, तो ये कितने आ जाएगा, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है कंसोलिडेशन। इसके बाद आ जाते हैं कैश में, तो सर कैश हमारे पास तो 2 लाख का था और दूसरी कंपनी को भी एक्वायर किया तो उसका भी देखो कितने का है 2-4 लाख का, समझ में आ रहा है ये बात, इसके भी 2 लाख का ले लिया हमने। अगले पॉइंट पे चलते हैं डेटर, चलिए डेटर बताइए, डेटर कितने का है 4 लाख का, हमारा खुद का है 4 लाख का प्लस इसका कितने का है 3 लाख का, तो टोटल के मामले में क्या हो गया 7, बताइए समस्या। अब डेटर के बाद स्टॉक पे आ जाए, स्टॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक कितने का है 2 लाख, यहाँ तो स्टॉक है ही नहीं तो ये 2 लाख ही रह जाएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों में सब कुछ सेम होगा तभी होगा, नहीं है तो नहीं है जी, 2 लाख डायरेक्ट आ गए, समझे। अब रह गई बात इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का है और यहाँ कितने का है, तो जब कभी भी याद रखना जो एक कंपनी, क्योंकि एक तरीके से अगर आप, मैं बोलूं कि एच लिमिटेड है जो वो मालिक बन चुका है किसका, तो कोई अपनी कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब जब ये अपनी कंपनी में, यानी बोल रहे कि मेरा तो इन्वेस्टमेंट है इससे मेरी इनकम आएगी, तो कहानी तो देखो घूम फिर के वही आ गई, मैं अपनी कंपनी में पैसे लगा दूं बोले इससे आएगा, कैसे आ सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो जो कॉमन होगा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां भी इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला, समझे बात। चलिए सर शेयर कैपिटल, सर ये जब कैंसिल हो गया तो शेयर कैपिटल बस ये अपना ही रखेगा 10 लाख, ऐसा नहीं कि शेयर कैपिटल इसमें जुड़ जाएगा, समझे बात, क्योंकि ये इसी की कंपनी है तो इस कंपनी का शेयर कैपिटल बचा ही कहां। अब क्रेडिटर की बात करते हैं, क्रेडिटर की बात करते हैं, क्रेडिटर कितने का 3 लाख और इसका है हमारा 2 लाख, कितने हो गए 5 लाख। और बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, पुराना है कितने का और प्लस 2 लाख, कितने हो गए 6 लाख, और कुछ नहीं है, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा, 11 और 4 15 15 और 7 24 लाख। इधर का भी देखते हैं, 10 5 15 6, क्या छोड़ दिया हमने इधर, ये 5 लाख है, नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5 लाख रुपए है ना, 4 और 5 कितने होंगे 9 लाख, ये मैंने अमाउंट गलत ले लिया था, 4 5 9 कितने हो गए 24 लाख, दोनों बैलेंस शीट मैच हो गया। अल्टीमेटली आप क्या देखोगे, आपने इस कंपनी में से कुछ नहीं खरीदा, आपने इस कंपनी में इन्वेस्मेंट कितना किया, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो आप ध्यान से देखो 6 लाख की ये एसेट्स, 2 लाख का कैश और 3 लाख का डेटर, यानी 11 लाख रुपए आपके हो गए, जिसमें से आपने पेमेंट भी तो किया है 7 लाख का, तो अल्टीमेटली आपके पॉकेट में कितना आया, 4 लाख। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपका एसेट्स और लाइबिलिटी में नेट ऑफ 4 लाख ही जुड़े हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या करा, इस बैलेंस शीट को इससे करके एक नई बैलेंस शीट मैंने बना ली, तो इसको बोला जाता है कंसोलिडेट बैलेंस शीट। यही एग्जामिनर बनाने को बोलेगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर ये दोनों देगा और ये बोलेगा, 15 नंबर उसी बात के मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऐड करेंगे। तो पहला केस हमने क्या किया, पहला केस किया हमने बिल्कुल सिंपल, व्हेन पेड या व्हेन इन्वेस्ट कर देता हूं। आप बात को समझिएगा, इन्वेस्ट जब भी वर्ड करूं ना तो समझ जाना कि होल्डिंग कंपनी इसमें पैसे लगा रहा है, ठीक है ना। तो व्हेन इन्वेस्ट, या फिर हम इसका केसेस बनाएं, किस नाम से लिखें, केसेस केसेस व्हेन शेयर कैपिटल एक्वायर इट सेम वैल्यू। ये देखो हेडिंग ये डाल लेना आप, मैंने क्या कहा, जब शेयर कैपिटल 100% एक्वायर करेगा और वो भी सेम वैल्यू पे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कम। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि भाई तेरा शेयर कैपिटल 4 लाख का है मार्केट में, तो मैं तुझे 5 दे दूंगा। ऐसा भी हो सकता, तेरी कंपनी बेकार है, मैं तुझे कितना दे दूंगा, 3 ही दूंगा। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो पहले वाले में क्या करता, 4 था, हाँ भाई तू 4 ले और मेरी कंपनी बन जा, समझ में बात। तो पहले केस को नोट करो, फिर धीरे धीरे इसमें मैं चेंजेस करता जाऊँगा, ठीक है। पहले केस को नोट करिए, हाँ जी बोलिए शुभम, क्या डाउट है, और एक दो बच्चों का और डाउट आ रहा है, जिसका आ रहा है वो क्वेरी हैंड रेज कर दें। नेक्स्ट केस में क्या है हमारा, कि होल्डिंग कंपनी जो है उसने इस वाली कंपनी के सारे शेयर तो लिए, सारे इक्विटी शेयर तो ये कंट्रोल में ले रहा है, लेकिन पहली बार कितने का ले रहा था, 4 लाख का, इस बार कितने का ले रहा है। तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो कि होल्डिंग कंपनी जो है उसने सामने वाली कंपनी को, जो कि अब सब्सिडरी बन जाएगी, उसको उसके वैल्यूएशन से ज़्यादा पैसे ऑफर कर दिए। अब बताओ आप किसी को ज़्यादा पैसे कब दोगे, जैसे अब मान लो एग्ज़ाम है, मैं बता दूं कि कल क्वेश्चन पेपर में मेरे पास आ गया है, 10-10 हज़ार रुपये जमा कराओ, तो ज़रूरत है, ठीक है ना, तो ज़रूरत है आपके, आप फटाफट जमा करवा दोगे। तो जब ज़रूरत होता है ना, तो आप क्या करते हो, उसको ज़्यादा पेमेंट देने को तैयार हो जाते हो, और ज़्यादा जो पेमेंट देने को तैयार होते हैं उसे बोलते हैं गुडविल, कंपनी के टर्म्स में, अकाउंटिंग के टर्म्स में बात करें। किसी को आप एक्स्ट्रा पैसे तभी दोगे जब सामने वाले का लगेगा पोटेंशियल है और इसके गुडविल का हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो इस कंपनी ने, ये पागल थोड़ी है होल्डिंग कंपनी, इसने इसके 4 लाख के बदले कितने दे दिए इसको,
मतलब 5 लाख, तो आप मोटे मोटी बात करें हम, तो चेंजेस यहाँ आएगा। पहले कैश कितना था हमारा बताओ, पहले कैश कितना था 6 लाख, अगर हम इसको दे ही देंगे कितना, तो कैश कितने का बचेगा, समझ रहे हो बात। अगर कैश 1 लाख का बचा तो वेरी वेरी सिंपल, इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा भाई, इन्वेस्टमेंट 5 का नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट तो 4 का ही होगा, इन्वेस्टमेंट कितने का होगा हमारा, चलो मैं अभी मोटी मोटी बात करता हूँ, इसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, आपकी बात रखते हैं 5 लाख, इन्वेस्टमेंट कितने का किया, तो हो गया टोटल मैच इस कंपनी में। पहले आप यहां तक देखो, फिर मैं इस वाले कौन से डिलीशन पे जाऊंगा। पहले आप सभी बच्चे बिल्कुल कंफर्म कर लें कि सर बिल्कुल ठीक बात है कि 5 लाख रुपए के आप इसके 4 लाख के शेयर खरीद रहे हो, तो हमारे पास 6 लाख था जिसमें से 5 तो दे ही दिए, तो आपके 1 लाख रुपए कैश में बचे और इन्वेस्टमेंट आपके कितने के हो गए 5 लाख। कोई इसमें दिक्कत कोई समस्या है तो बताइए, बताइए यहां तक कोई डाउट, हाँ या ना में कमेंट में जवाब दीजिए, जो बच्चे लाइव में हाँ या ना में जवाब दीजिए, नहीं हाँ अभी बताएंगे आगे कौन सा डोलेशन करता हूँ। चलिए कौन सा डोलेशन करते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो हम अपना बाद में देखेंगे, पहले फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स 5 लाख और 6 लाख, 6 लाख इसका ऐड किया 11 लाख, कैश कितने का 1 लाख हमारा और 2 लाख दूसरी कंपनी का, कैश देखिए बदल गया, आपने नोट किया होगा तो कंपेयर भी करते रहना, 3 लाख रुपए, डेटर 4 लाख और 3 लाख 7 लाख। इसके बाद स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अकेला है 2 लाख, यही है यहां पे। चलिए पहले भी इन्वेस्टमेंट हमने नहीं लिखा था, अब भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखने वाले, यही था ना हमारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद इस साइड आ जाते हैं, क्रेडिटर की बात करते हैं तो क्रेडिटर 3 लाख और क्रेडिटर 5 लाख 8 लाख, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर के बाद हम बात करें तो एक्सपेंस 4 लाख और एक्सपेंस 5 लाख, तो ये हो गए 9 लाख। तो सर अगर आप नॉकआउट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे दोनों साइड मैच नहीं होगा, क्योंकि हमारा पहले पुराना कितना था 10 लाख। क्यों नहीं मैच होगा दोनों साइड, क्या रीजन है, तीन और क्रेडिटर 3 और 2, ओके 3 और 2 तो कितने हो गए 5 लाख। अब चेक करते हैं एक बार रफली बैलेंस शीट को मैच करते हैं, तो 11 और 3 14 14 और 7 21 और 2 23, इधर आ रहा है 23, 15 और 9 बताओ 24 आ रहा है, नहीं हुआ मैच। सर अब बात करते हैं क्यों इधर कम आ रहा है, क्योंकि इसने ज्यादा पैसे दे दिए इसको, कितने ज्यादा दिए, तो अब ये क्या करेगा, अपने बैलेंस शीट में गुडविल के नाम से 1 लाख रुपए शो करेगा और दोनों साइड क्या आ जाएगा हमारा 24 24 लाख रुपए। देखिए कोई दिक्कत, तो केस नंबर 2 बना दिया कि व्हेन 100% शेयर कैपिटल एक्वायर मोर देन फेस वैल्यू कह लो या मार्केट वैल्यू कह लो आप, ठीक है। ये बेसिकली ना ये हेडिंग बनाओ ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए बनवा रहा हूँ सो दैट कि आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। देखो अभी तक जितना किया, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, देखो जो डाउट आएगा नहीं पूछोगे, आगे जब क्वेश्चन थोड़े थोड़े बढ़ता जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट ऐड होता रहेगा तो वो आपके लिए सरदर्दी बन जाएगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी पूछते जाओगे। चलिए कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, शुभम, यस शुभम बताइए डाउट। नहीं हमारे एग्जाम में तो ये बनाएंगे, कंसोलिडेटी है ये तो एग्जामिनर देगा, ये हमें मन में चेंज करना होगा, हम ना एक वर्किंग नोट करेंगे और अपने माइंड में एक लेके चलेंगे, यार यहाँ का इन्वेस्टमेंट इतना है तो इतना, वर्किंग नोट में मैं क्या लिखूंगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट इतने का सेट ऑफ हुआ, या तो माइंड में कैलकुलेशन करना होगा या कहीं वर्किंग नोट में लिख के फिर हमें ये प्रिपेयर करना है, ये दोनों तो हमें प्रिपेयर करना ही नहीं है। मैं इसमें चेंजेस इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आए कि हाँ ऐसा एक्चुअल फैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो एक एडजस्टमेंट हो भी गया आपको पता भी नहीं चला, एक एडजस्टमेंट। हाँ ये जो लिखा है मैंने, कैश के बात कर रहे हो आप, ये अच्छा ये जो बोल रहे हो 1 लाख लिखा है ये 6 होना चाहिए, देखो 6 तो था पहले,
जब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं था, तब 6 ही था, लेकिन जैसे इस कंपनी ने इसका खरीदा तो इसने 5 पेमेंट किया, तो इसके पास बच गया 1 और 5 आ गया इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट से नोट करिए, फिर देखते हैं। अगर आप जैसे ये हमारा एक बड़ी कंपनी और एक छोटी सब्सिडरी मान लेते, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इस कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं तेरी कंपनी के शेयर खरीदने वाला हूँ सारा, और तुझे पेमेंट सिर्फ 3 लाख करूँगा, तो ये कंपनी बिकने को कब तैयार होगा? तभी बिकने को तैयार होगा जब ये कंपनी मजबूरी में होगा या ये कंपनी पहले से लॉस मेकिंग कंपनी होगा, तभी वो बिक जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एच लिमिटेड ने अपने फायदे के देखते हुए इस कंपनी को सस्ते में खरीद लिया, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। तो अब नाउ क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, तो 6 लाख है, 6 लाख में से कितना वो स्पेंड, कितना खर्च देगा? तो सर 3 लाख ही खर्चेगा वो, ओके। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, क्यों 4 का खरीद लिया, लेकिन उसके जेब से तो इन्वेस्टमेंट 3 का ही हुआ ना। आप 10 लाख की प्रॉपर्टी को 6 लाख में खरीद लोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 6 का ही हुआ ना, समझे। तो 3 का पहले तो ये देखो भाई, इसके बैलेंस शीट में तो कोई छेड़खानी नहीं करनी, हमें अपने बैलेंस शीट का दिमाग में लेके चलना है। अब चेंजेस क्या होगा, सर इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इधर कोई चेंज नहीं, चेंजेस होगा कैश में जी। कैश हमारे पास बचेगा कितने का, 3 लाख, और ये होने वाला है हमारा 5 लाख का। चेंजेस बस यही होना होता है, और एक अब गुडविल नहीं रहेगा क्योंकि हमने खरीद लिया है सस्ते में, तो कुछ और बन जाएगा। टोटल करते हैं तो 11 और 5 16 और 7 25 लाख, और इधर टोटल करते हैं तो 24 लाख। तो इसका मतलब जब इस कंपनी ने इस कंपनी में खरीदा, तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को जो खरीदा वो सस्ते में खरीदा, सस्ते में जैसे खरीदा क्या जनरेट हुआ सर, कैपिटल रिजर्व कितने लाख रुपए सस्ते में खरीदा, तो कैपिटल रिजर्व कितने का आएगा। अब दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक बार ज्यादा करा, एक बार कम करा, जो कॉमन अमाउंट होता वो तो नॉक ऑफ हो जाता, मतलब कि उससे लिखते ही नहीं कॉमन अमाउंट को, कॉमन के अलावा वाला या तो गुडविल बनेगा या क्या बनेगा, कैपिटल रिजर्व बनेगा। समझ में आ रही है बात आपको, एक बार फटाफट इसको भी नोट करिए, फिर एक और केस करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन में क्या है, सिंपल पुराना क्वेश्चन, और यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन, और यहाँ पे बस मैंने क्या करा है, यहाँ पे एड ऑन कर दिया है एक रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल। और जब कभी मैंने क्या बताया था, अभी फटाफट से बताओ, जब कभी भी कोई भी कंपनी बोले मैं तुम्हारा इतना शेयर खरीदूंगा, तो मतलब क्या, मतलब तुम्हारा शेयर होल्डर फंड का खरीदूंगा। अब जब शेयर होल्डर फंड मतलब होता है तो इक्विटी भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, और प्रेफरेंस शेयर भी है। एच लिमिटेड ने बोला भाई मैं तुम्हारी कंपनी के जो है वो 100% स्टेक खरीदने को तैयार हूँ, और बदले में मैं तुम्हें पेमेंट करूँगा पूरे 7 लाख। तो सर इसकी कंपनी का अगर मैं आपसे पूछूँ ना 100% शेयर कितना है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर इसकी कंपनी का 100% शेयर कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन कहता है मैं तुम्हें दूंगा कितना, 7 लाख। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैंने तुम्हारी कंपनी को 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, क्योंकि 4 था, मैंने कितना एक्स्ट्रा दिया, 3, तो वो क्या बनेगा आगे जाके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, गुडविल बन जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, कहा इसने कि अगर मुझे कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट हुआ तो एच लिमिटेड सोल्ड कर देगा एक्सटेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो आप ध्यान दो, हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में कितने रुपए, 6, पेमेंट कितना करना है 7, तो ये तो हो गया 0। अब बोला कि अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो हम फिक्स एसेट्स बेच देंगे, तो कितने का बेचा जाए फिक्स एसेट्स, 1 लाख का बेचा जाए, तो अब फिक्स एसेट्स हमारा क्या होगा, 5 लाख में से मैं माइनस कर देता हूँ, 5 लाख में से 1 लाख माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 लाख। इसका मतलब सर अगर क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, हाँ अगर ना बोले कुछ भी तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर देंगे हम, ठीक है ना। जब कुछ नहीं बोला जाए तो हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख का क्रिएट कर देंगे। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है फिक्स एसेट्स बेचो, ऐसा भी हो सकता है कि पैसे का इंतजाम फ्रेश इशू करके होगा, कुछ भी बोला जा सकता है, धीरे धीरे हम केसेस में देखेंगे।
तो यहाँ पे हुआ क्या अल्टीमेटली, इसके बैलेंस शीट में छेड़खानी नहीं, हमने अपने बैलेंस शीट में चेंज कर दिया। और ये चेंज नहीं है, बेसिकली वर्किंग नोट है जो दिमाग में एक आइडिया आया। अब होगा क्या, शेयर कैपिटल पे नो इम्पैक्ट, क्रेडिटर पे नो इम्पैक्ट, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं, ये तो बचेगा नहीं, और ये भी हट गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रह गया, तो सर टोटल तो होना चाहिए ना। अब इन्वेस्टमेंट रह गया तो इन्वेस्टमेंट कितने का मानूंगा मैं, क्योंकि मैंने पेमेंट कितना किया है तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7 लाख। तो अब टोटल तो वही रहेगा, टोटल कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखो 4, 4, 8, 2, 10 और 7, 17 ही है। अब आते हैं हम नए वाले, जब बैलेंस शीट में आएंगे तो सबसे पहले मुद्दे की बात है, हमारा एसेट्स अब 11 लाख नहीं रहेगा, हाँ या ना, कितने का होगा बताओ हमारा एसेट्स, जवाब दो कमेंट में। हमारा एसेट्स ये 5 लाख की जगह पर क्या आएगा, 4, क्योंकि पुरानी हमारे इस वाले बैलेंस शीट में जब जोड़ेंगे तो वहाँ पे तो भाई है ही नहीं, वहाँ पे तो 4 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 4 लाख और यहाँ आ जाएगा 10 लाख, पहला चेंज। दूसरे मुद्दे की बात करें, हमने महंगा खरीद लिया है तो हमारा क्या बनेगा, गुडविल कितने का बनेगा, 3 लाख, कोई दिक्कत। तीसरा चेंज कैश, कैश पुराने वाले में 0, तो अब यहाँ कितने का आएगा, 2 लाख। आप देख लीजिए मैंने हर जगह प्लेस चेंज किया, किसी को दिक्कत है तो बताइए। बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा अगेन 24 लाख आ रहा है, 10, 2, 12 और 7, 19, 19 और 5, 24 ही तो है, ठीक है ना। देखिए फटाफट किसी को डाउट बताइए, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सर था क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था कि हमारे पास फिक्स एसेट्स 5 के थे और कैश 6 लाख का पड़ा हुआ था, हमने इस कंपनी के खरीद लिए, भाई क्या खरीद लिए, 100% स्टेक। तो सर 100% स्टेक का मतलब क्या, शेयर कैपिटल भी खरीदा और रिजर्व एंड सरप्लस भी खरीदा, जो कि बनता है कायदे से देखा जाए तो 4 लाख का दोनों को जोड़ के, लेकिन मैं पेमेंट करने को तैयार हो गया 7 लाख का, तो मतलब सर हम महंगे में खरीद रहे हैं तो 3 लाख गुडविल दे रहे हैं। और पैसे अगर हमारे पास कमी पड़ी, क्योंकि पैसा कितना था हमारे पास पहले, पहले पैसा हमारे पास 7 लाख था और 7 लाख माइनस 6 लाख था, सॉरी, तो 6 लाख माइनस में 6 लाख करके तब 0 बचाइए, ठीक है। तो हमने 6 लाख रुपए तो कैश में से निकाल के दे दिया और 1 लाख रुपए का फिक्स एसेट्स बेच के दे दिया होगा, तो अब फिक्स एसेट्स मेरा बच गया 4 का और कैश बच गया हमारा क्या, 0। अब नई बैलेंस शीट जब बनाने गए तो फिक्स एसेट चेंज होगा, क्योंकि 4 और 6, 10 लाख, कैश बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ, पहले जो होल्डिंग है उसका तो 0 है और नई वाली जो कंपनी खरीदी वहां से 2 लाख रुपए आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। अब इसके बाद डेटर वही रहा, ये सेम रहा, हमने एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदा तो वो क्या बन गया हमारा, गुडविल, और ये हमारा काम हो गया खत्म। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए नोट करिए एक बार इसको। और नहीं नहीं एस लिमिटेड, अब देखो ये कंपनी जब इसका खरीदेगा तो ये पता है ये बैलेंस शीट में क्या दिखाएगा आपको, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन। अब मान लेते हैं इसने बोला, मैंने यहाँ शेयर कैपिटल लिख रखा है 4 लाख, इसने बोला है 4 लाख, तो आप समझ जाना कि इसने इस कंपनी को कितने में खरीदा है, समझ में आ रही बात। कोई कैपिटल रिजर्व होगा, कोई गुडविल होगा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 लाख, पहले ये वाली बात बताओ सबको समझ में आया कि भाई मैंने क्या कर रखा है, आपको मैंने बताया नहीं कि इसके कितने परसेंट खरीदे नहीं खरीदे, ये सब छोड़ो, बस मैंने बोल दिया कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कंपनी में कितने का, 4 लाख। तो क्या आपने इस कंपनी के फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्या आपने इस कंपनी के डेटर में इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्या आपने इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर की कोई बात कर रहे हो, नहीं, आप इस कंपनी की किसकी बात कर रहे हो, तो आपने कितने रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, 4 लाख, और इस कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल भी कितने के हैं, 4 लाख का, इसका मतलब फुल्ली आपने ले रखे हैं। क्या यहाँ पर गुडविल निकल के आएगा या कैपिटल रिजर्व निकलेगा, या सिंपल केस हो गया बिल्कुल, ये तो समझ रहे हो। क्या मुझे नीचे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है कि मैंने 100% उसका एक्वायर किया है, तो जवाब है नहीं। तो सर नई बैलेंस शीट कैसे बनाओगे आप, सिंपल सी बात है, 3 और 2, 5 वही रहेगा, 4 और 5, 9 भी वही रहने वाला है। अब नई बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो बनाने का मतलब है हमारा ये कितना आ गया हमारा 5, अब इसमें ऐड कर देंगे 5 और 6, 11 लाख, समझे। और 11 लाख के साथ साथ और क्या करें हम, कैश तो है ही नहीं, सिर्फ 2 लाख होगा, कौन से वाला 2 लाख, ये वाला, डेटर हमारा सेम रहेगा, गुडविल वाला पॉइंट नहीं आएगा। थोड़ा मैंने जल्दी करा है, फिर मैं दोबारा देखो, फिक्स एसेट्स ये भी मिटा देते हैं, फिक्स एसेट्स कितने का था, 5 का और 6 का,
टोटल 5 और 6 कितने हो गए, 11, 5 और 6 11 हो गए, समझ में आ रहा है। उसके बाद कैश हमारे पास पड़ा हुआ यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो कैश में 2 लाख चला गया। इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको तो क्रॉस कर देते हैं, याद होगा आपको, उसे तो लेना ही नहीं है। डेटर 4 का, डेटर 3 का, टोटल कितने हो गए, 7 का, स्टॉक 2 का, अकेला 2 का है। लाइबिलिटी साइड आ दो, शेयर कैपिटल कभी जुड़ेगा नहीं, क्रेडिटर जोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया, टोटल करके चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है, 11 और 2 13, और 13 और 9 22 लाख रुपए, ये बन गया हमारा टोटल, ये 24 बन रहा है। पैसा क्या गड़बड़ कर दिया, ये टोटल सही है, देखना 5 4 9 4 13 और 2 15, 2 लाख इधर गड़बड़ आ रहे हैं, तो इसको 4 लाख कर देते हैं, ठीक है, तभी तो 17 बनेगा, 5 4 9 और 4 13 4 17, तो अब स्टॉक कितने का हो जाएगा, 4 लाख, ये भी बन गया हमारा 24 लाख, और ये भी बन गया हमारा, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, जितने बच्चे लाइव क्लास में बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब मैं अलग अलग अमाउंट चेंज करूँगा, आप खुद बताना कि क्या होगा, आप डायरेक्टली बताने की कोशिश करना। मैं पहला केस लिख रहा हूँ, मैं लिखता अगर 5 लाख तो नई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनता तो क्या चेंजेस आता, क्या होता गुडविल, फिर बोलोगे सर ये तो टोटल मैच ही नहीं होता, समझ लो मैच हो गया है, मैं स्टॉक को कम कर दूंगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ, बस आप बताओ अगर मैं यहाँ 5 लाख लिखूँ तो आप जब कंपेरिजन करोगे दिमाग से कि 5 और 4, तो आप बताइए क्या समझोगे यहाँ पे आप, कि 1 लाख रुपये का क्या आने वाला है यहाँ पे, गुडविल आने वाला है, समझ में आ गया बात, ठीक है ना। चलो अगर मैं दूसरा केस लेके चलूं, यहां पे मैं लिख दूं 2 लाख, यानी इसका मतलब है आपने इस कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 2 लाख, जब इस कंपनी में 2 लाख इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन हाँ यहां पे एक बात कंसर्न बनेगा, क्या पता ये भी तो पॉसिबिलिटी है मैंने इसके 2 लाख के ही शेयर खरीदे थे, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता है ना, क्वेश्चन साइलेंट हो तो इस केस में मैं नीचे बता रहा हूं आपको कि इसने 100% खरीद लिया, समझे बात आप। तो अब मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए में इसने इसके 4 लाख के शेयर खरीद लिए, तो 2 लाख के क्या बन जाएंगे, कैपिटल रिजर्व, जो कि कहाँ आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी के साइड में, समझ में आया। अब आपके बुक का एक क्वेश्चन देखें, देखें बुक का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसके पास बुक है देख लेगा बुक में, नहीं तो मैं PDF बना के आज डालूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कहता है फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द एच लिमिटेड इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो देखो इससे घबराना नहीं है सर, सब्सिडरी वर्ड बड़ा मतलब हैवी वर्ड यूज हो रहा है, कंसोलिडेटेड बड़ा बात वही है कि भाई इन दोनों के एसेट्स लाइबिलिटी को जोड़ो, बात खत्म। अब इसमें एच लिमिटेड के कुछ एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटी और इसके, तो आप ध्यान से देखोगे तो एच लिमिटेड का चेक करना है सबसे पहले जाके इन्वेस्टमेंट, और एच लिमिटेड का मैंने इन्वेस्टमेंट जाके चेक किया तो नजर आया कितना, 5 लाख रुपए। अब एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में जाके चेक करिए उसका शेयर कैपिटल, तो वो भी कितने का है, 5 लाख रुपए। इसका मतलब 100% ले लिया। अब जब हम मैच करेंगे, टोटल करेंगे, बैलेंस शीट को जोड़ेंगे, तो आप देखिए शेयर कैपिटल में चेक करिए यहाँ पे, देखिए बुक में दे रखा है आपको, तो शेयर कैपिटल में देखिए कितना हो गया, 10 लाख वही रहा। इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी कितना हो गया, 2 और 40 कितने हो गए, 2 40। एसेट्स में आते सन्ड्री एसेट्स हो गया 7 5 12 20, देखो 12 40 सन्ड्री एसेट्स कितना हो गया हमारा, क्या इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें, जो चीज़ें हमारे इन दोनों में कॉमन चीज़ें वो एलिमिनेट हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट का कोई काम ही नहीं है, समझ में आई बात आपको, क्लियर है। ये क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, सो दैट जो बच्चे नहीं देख पा रहे वो देख लें, अभी मैं डाल देता हूँ आपको, एक बार देख के फिर देख बताइए मुझे कहाँ गया टेलीग्राम, जी ये रहा टेलीग्राम, भाई टेलीग्राम से डायरेक्ट इमेज नहीं क्लिक होता क्या, पता नहीं क्या है इसमें, एक मिनट, नहीं होता शायद, ये तो बड़ी दिक्कत है,
आप इसको नोटिंग कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ इमेज। और साथ के साथ आंसर भी भेज देता हूँ। चेक करिए। अब टेलीग्राम का लिंक, कुछ बच्चे बार बार बोलते हैं सर लिंक तो देते नहीं हो। एप्लीकेशन में 3 डॉट में जाइए, वहाँ पे लिंक भी है, लिंक या टेलीग्राम डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे, तो बार बार आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भेज दिया मैंने, मेरी साइड से टिक हो गया, आप चेक कर लीजिए, थोड़ा मैनेज करना होगा। बिल्कुल ठीक। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत है यहाँ पे? हो गया? तो आगे की क्लास ना मैं कल रखूँगा। देखो अभी 7 बजे फिर से क्लास है फाइनल अकाउंट के, जिन बच्चों के डाउट होंगे मैं ले लूँगा। 7 बजे दोबारा मिलेंगे, आपके जो भी डाउट है वो ले लूँगा। कल सुबह 9:30 बजे इसको कंटिन्यू करेंगे। 9:30 बजे से ज़्यादा लंबी क्लास लेने वाला हूँ मैं कल, तो 9:30 बजे से लेके ना बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे 4-5 क्वेश्चन तो बुक के कर लेंगे और एडजस्टमेंट पे भी आ जाएंगे कल।